हेलो सत श्री अकाल आदाब वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे। आई नो आपको मेरी शक्ल बहुत दिनों बाद दिख रही है ट्यूटोरियल्स बनाते हुए। एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रहा है बट आई नो एंड आई होप आप समझोगे इस चीज़ को एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट एंड ब्रिंग मोर ट्यूटोरियल्स फॉर यू। तो आज जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं बहुत ही सोना पंजाबी सॉन्ग है, गाया है अमरिंदर गिल ने। गाने का नाम है मिलके बैठांगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव विद इट्स कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न प्रोग्रेशन। इस गाने की कॉर्ड्स की बात करूं तो हमें यूज होने वाली हैं तीन सिंपल सी कॉर्ड्स जो आपने बहुत बार यूज की होंगी। सबसे पहली जो कॉर्ड है वो है सी कॉर्ड, इसकी आवाज ऐसे आती है। दूसरी कॉर्ड है एफ कॉर्ड, तीसरी कॉर्ड है डी माइनर एंड फिर से सी आ जाती है, वही कॉर्ड रिपीट होगी। ठीक है, मैं स्ट्रमिंग पैटर्न पे आऊं तो हम यूज कर सकते हैं दो तरह के स्ट्रमिंग पैटर्न। ठीक है, आप लोगों को जिस हिसाब से जो स्ट्रमिंग पैटर्न इजी लग रहा है आप उसको उस हिसाब से यूज करो। ठीक है, अभी मैं एक एक करके दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न बताने जा रही हूं। जो सबसे पहले वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी मतलब आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में इस गाने के साथ। ठीक है, तो वो पैटर्न क्या है मैं पास में आके बता देती हूँ। पैटर्न है बेसिकली डाउन ही है सारा, टोटल 8 टाइम डाउन करना है लेकिन दो पार्टीशन में, 6 बारी डाउन देन 2 बारी थोड़ा गैप देके डाउन है। लाइक डाउन 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 डाउन। ठीक है, जैसे मैंने 6 बारी डाउन 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 डाउन, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का गैप देके डाउन डाउन। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन। अगर मैं मतलब आपको स्लो मोशन में बताऊं तो ये थोड़ा आएगा, पैटर्न है वो इससे थोड़ा सा सिंपल है, वो है डाउन अप डाउन अप। लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप प्ले कर सकते हो। अभी जब मैंने ये सब चीजें बता दी हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉन्ग के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट स्टैंजा प्ले करूंगी, उसके बाद देन अगला पोर्शन प्ले करूंगी। एक यूज कर रही हूँ फर्स्ट वाला स्ट्रमिंग पैटर्न। ठीक है, सेकंड वाला भी थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे यूज करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉन्ग के साथ। पहले मैं फिलर दूंगी, उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे बताऊंगी इस सॉन्ग को। ठीक है, जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करने हने, जद मिल के मैंने क्या किया, कुछ मेरे रोंदियां सी, उसके बाद गई एफ, फिर डी माइनर, फिर सी एफ डी माइनर, फिर सी पे आके। ठीक है, सॉरी ये अलग कॉर्ड थी। फिर उसके बाद लौना गल देना तेनू, सेम आ जाएगा। ठीक है, लौना गल देना तेनू मैं अखा फिर परनिया ने, जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने। मैं दे रही हूँ फिलर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पूछना वक्त बीते तू किवे लंघिया सी तेरे बिन, मेरा ता जाग के कटिया किवे निकले सी तेरे दिन। ठीक है, फिर आगे फिर से रेपिटेशन है इन्हीं कॉर्ड्स की। जदों तू बैठना सावे मैं अखा फेर परनिया ने, जद मिलके बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने, कुछ मेरे रोंदिया तेरे वख होंदिया है। लाउना गल देना तेनू मैं अखा फेर
जो अगला पैराग्राफ है इसी की तरह सेम है, सेम कॉर्ड सेम स्टमिंग पैटर्न. अब मैं अगर दूसरे स्टमिंग पैटर्न की तरफ जाऊं, मैं पूरा सॉन्ग नहीं प्ले करूंगी, थोड़ा सा आपको प्ले करके बता दूंगी जो था डाउन अप ताकि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो उसको फॉलो कर सकें. ठीक है, ये ऐसे आएगा. पहले वाले स्टमिंग पैटर्न में आपको मतलब पार्टीशन करना पड़ रहा है कॉर्ड्स पे. ऐसा नहीं है कि एक कॉर्ड पे पूरा स्टमिंग पैटर्न प्ले हुआ, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, ऐसा नहीं है. आपको पार्टीशन करना पड़ रहा है, लाइक कई पोर्शन पे है कि एक एक कॉर्ड पे पूरा पूरा पैटर्न आ रहा है, लेकिन उसमें पूरे में ये नहीं है. लेकिन जो दूसरे वाला स्टमिंग पैटर्न है उसमें क्या है, हर एक कॉर्ड पे पूरा स्टमिंग पैटर्न प्ले हो रहा है. जैसे जद मिलके बैठा पूरा पैटर्न प्ले हुआ, फिर मैं दूसरे पे शिफ्ट किया, फिर पूरा पैटर्न प्ले किया. तो आपको जैसे भी सही लग रहा है आप उस समिंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हो. तो ये था बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग एंड बहुत सिंपल था. आई होप आपको पसंद आया होगा ये ट्यूटोरियल. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो, डायरेक्ट DM मैसेज कर सकते हो. _navleen_kaur मेरा वहाँ पे यूज़र ID है. मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने व्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट किया है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस ट्यूटोरियल के. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो वहाँ पे आपका वेलकम है. आज के लिए इतना ही था. टिल नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गाते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए. बाय बाय, टेक केयर.